तो फ्रेंड्स आप भी प्लेलिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने अभी 2 प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है, तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको वीडियोस पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप वीडियोस पे आओगे तो आपके सामने आपकी वीडियोस आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद आपको करना यह है कि आपको जो भी प्लेलिस्ट में ऐड करनी जो भी वीडियो, तो आपको उसके 3 पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं ये वाली वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर आप 3 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आपको क्लिक करना है सेव टू प्लेलिस्ट। तो फ्रेंड्स इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको ऊपर की ओर दिख जाएगा न्यू प्लेलिस्ट, उस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का नाम रखना है, जो भी आप रखना चाहते हो। तो फ्रेंड्स इस प्लेलिस्ट का हम नाम रख देते हैं व्यूज कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स इस प्लेलिस्ट का हम ये नाम रख देंगे, बाकी आप जो रखना चाहे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी प्लेलिस्ट को प्राइवेट रखना चाहते हो या पब्लिक करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक रहेगी तो आपकी हर कोई प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, अगर प्राइवेट रहेगी तो कोई भी आपकी प्लेलिस्ट चेक नहीं कर सकता आपके अलावा। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए प्लेलिस्ट अपनी आ चुकी है। अब आपको ये बताता हूँ कि आप इसमें और वीडियोस कैसे ऐड कर सकते हो। फिर से आपको किसी वीडियो पे क्लिक करना है, उसी के 3 पे क्लिक करने के बाद सेव टू प्लेलिस्ट जो लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको वही वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप वापस प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो आपकी वो प्लेलिस्ट एक और ऐड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।